वेलकम टू माई अनदर यूट्यूब। अज मैं जा रहा फ्रेशको स्टोर कि थोनों दिखा सका व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ग्रॉसरीज इन कैनेडा। जिदा कि तुम पिछे व्यू देख सकते हो, व्यू पिछे काफ़ी अच्छा है, मौसम भी इतने काफ़ी अच्छा चल रहा। सामने आ गई अपनी पंजाब रोडवेज जो कि है ब्रम्पटन की लोकल बस सर्विस है, जिदा कि अपने पंजाब पंजाब रोड भी है। कैनेडा की एक बेस्ट चीज़ मैं अभी लगी राइट साइड पर जो आई बाइक का निशान देख रहे हो, ये तो आप बाईसाइकिल चला सकते, मतलब साइकिल चला सकते हैं। तो इतने थोनों गड्डिया मतलब लोग डिस्टर्ब नहीं करते। तो जी साइड वॉक है साइड पर, यह पैदल जो लोग चलते हैं उन्होंने लिए है। तो बाकी मैं थोनों फ्रेशको पहुँच के थोनों मैं वीडियो पाना कि कैनेडा विच ग्रॉसरीज का प्राइस की है। तो मेरे नाल तुसी बने रहो ये वीडियो दे। ते मेरा घर डाउनटाउन विच ही है, ब्रम्पटन डाउनटाउन च। तो इतों सारी चीज़ा नेड़े ही ने। तो अज का मौसम मैं काफ़ी अच्छा लग्या क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इतने इन्ना सनी वैदर होया। तो वो आ गया अपना फ्रेशको जो कि तुम देख सकते हो वीडियो। टिम होटल्स मैं सोचा कि पहला टिम होटल्स की कॉफ़ी पीती जाए फ्रेशको तो ग्रॉसरी लैन तो पहला। तो हूँ ही मैं कॉफ़ी पी के अपना फ्रेशको स्टोर जाऊँगा ताकि थोनों अपडेट कर सका कि कैनेडा विच ग्रॉसरी किन्ने दी है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना तुहाडा खर्चा आ जाता पर मंथ इन ग्रॉसरी। तो हुण आपां एंटर कर रहे हैं फ्रेशको स्टोर। तो तुसीं जिदा देख सकते हो तो सामने प्याज पए ने जो कि 1.69 डॉलर के ने। तो बाकी सब्जियां दे रेट तुसीं वीडियो देख सकते हो। यह इंडिया तो कुछ ज़्यादा ही इदा नहीं है कि ज़्यादा कॉस्टली ने। बंद गोभी आ गई 2 डॉलर की। तो बाकी मतलब जो प्राइस ने अप्रोक्सीमेटली मेरे तो सेम ही लगे। तो जो ओरेंजेस ने 0.75 डॉलर के ने। तो बाकी जो ग्रॉसरीज के मामले में मैं कनेडा कुछ ज़्यादा महंगा नहीं लग्या। तो हुण मैं लैन लग्या एप्पल्स जो कि 1.29 डॉलर के ने। तो इतों के एप्पल काफ़ी जूसी होंगे ने, तो इस करके मैं 1 kg सब तो पहले एप्पल ही लेते थे जिदा कि तुम देख सकते हो। देखने भी एप्पल्स काफ़ी फ्रेश लग रहे ने। एक किलो एप्पल आप लै लेने। तो पाइनएप्पल इतने मिलता है अराउंड 3 डॉलर का। तो कैनेडा में ब्रेड्स काफ़ी टाइप दिया ने जिदा कि तुम देख सकते हो 1 डॉलर 65।
$2 की हैमबर्गर वाली ब्रेड, डैम हॉट डॉग, काफ़ी टाइप्स की ब्रेड ने इतने, काफ़ी वैरायटीज ने, पर स्टूडेंट्स लिए सब तो सस्ती ब्रेड यही है कॉम ब्रेड, जो कि $1.65 की है। एक 2.47 की है पर थोड़ी एक्सपेंसिव है। दो चीज़ा ले लिया मैं, एक एप्पल स्टिक ब्रेड, तो बाकी चीज़ें हमें पेंडिंग है। ये सारे सॉसेजेस वगैरह जो हम तुम सवेरे ब्रेकफास्ट बनाना तो तुम वो ब्रैड में ला सकते हो, तो सवेरे सवेरे तुम ब्रैड ना खा सकते हो जे तुम जॉब पर जल्दी जाना, तो यह काफ़ी काम आते हैं। तो जिदा कि मैं नॉन वेज में तकरीबन सारी आइटम ही खा लेना, तो पॉर्क $12 का मिल रहा है, तो मैं सब तो पहला नॉन वेज में पॉर्क ही लिता, तो मैं लगे अच्छी डील सी, तो क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा सी, तो देख सकते हो पॉर्क इन्ना महंगा नहीं है, काफ़ी क्लीन तो नीट एंड टाइडी मिलता इतने। तो आ गई स्टिक्स, इन तुम ओवन च रख के बना सकते हो, तो नॉन वेज इतने ज़्यादा सस्ता है वेज फूड नालों। तो हूँ आ गई फिश की वारी, सैलमन फिश इतने $9 की मिल रही है, तो फिश अपरोक्सीमेटली $9 to $12 की इतने फिश पईया सी, जो कि ज़्यादातर सारी फिश ही फ्रैश सीगियां, तो काफ़ी बार इतों लेतियां भी ने, यह जो आप बनाने उदो भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो हूँ आ गई आंडिया की वारी, तो आंडे इतने मिल रहे थे $5 के 18, तो $5 के 30 भी सीगे, पर जो $5 के 18 मिलते ने उन्हां दी क्वालिटी मैनूं ज़्यादा वधिया लगी, तो मैं हमेशा उही खाना हुंदा सवेरे ब्रैड ऑमलेट बनाना हुंदा, तो इसलिए फिर मैं जो $5 के 18 सीगे मैं उही लिते सीगे, ताकि मैं ब्रेकफास्ट विच इन्हां नूं बना सका रोज़। ਐਗਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਸੀ, ਐਗਸ ਲੈ ਲਏ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਕਲੇਟ ਮਿਲਕ ਵੀ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ $3 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ $5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। जो हाँ पेपर की पैकिंग है वो $3 तो लैके $7 तक पे ने, पर मेरा फेवरेट मिल्क ये है सेल टेस्ट वाला, इंदा टेस्ट मैनू ज़्यादा अच्छा लगता। एक फेयर लाइफ का भी पिया जो कि $4 दे अप्रोक्सीमेटली प्राइस है, पर मैनू यह मिल्क अच्छा लगता सेल टेस्ट वाला, इहदा प्राइस सीगा $4.59, तो मैं 3% फैट वाला मिल्क लिता। चलो मेरे को हुण एग्स हो गए, एप्पल हो गए, ब्रैड हो गई, तो मिल्क हो गया, तो हुण आपां अगे वधदे हां अपनी अगली चीज़ां नूं इकट्ठा करन दे लिए। तुसीं देख सकते हो फ्रैशको स्टोर काफ़ी बड़ा स्टोर है इत्थे, तो ड्यू टू कोविड वो ज़्यादा बंदयां नूं अलाउ भी नहीं कर रहे सीगे स्टोर च एंटर करन दे लिए, एक टाइम तो मोर दैन
10 ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਚੀਜ਼ ਆਟਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੀਗਾ ਮਲਟੀ ਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਜੋ ਕਿ $13 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹਾਈਨਸ ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ ਜੋ ਕਿ $3.5 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਮੈਗੀ ਜੋ ਕਿ 29 cents 16 Indian rupees ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਸੈਚਰਡੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ $8 ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਲ ਚਿਕਨ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੂਸ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੂਸ ਇੱਥੋਂ $1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ $4 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮਿਨਟ ਮੇਟ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਓਏਸਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਂਡ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, $3 to $4। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੂਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲਾਜਨ ਹੈਲਥ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲਾਜਨ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ। Yeah, I need. You only have the dollar one, is that okay? Yeah, the Fresco one, yes. How many do you want? I think one would be enough, I think so. Okay, so 51. I want to pay with my card. What kind of card? It's a pizza. Pizza, okay. Whenever you're ready? Yeah, ma'am. I'm sorry, just making video for my YouTube. That's okay, yeah. Have a nice day, ma'am. You too. Next one. ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ $51.40। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਨਲੋਕ। ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਰੱਖਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ। ਫਰੈਸ਼ਕੋ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਗਰੋਸਰੀਜ਼
ग्रॉसरीज की शॉपिंग कंप्लीट होगी। टोटल कॉस्ट आई मेरी $51 फ्रेशको देख सकते हो नाल ही सीगा टिम हॉटन दे ता मैं पहला टिम हॉटन चले गया ते हुण मैं अपनी ग्रॉसरीज लै ली है ते हुण मैं अपने घर को आ गया। मेरे घर दे कोल ही सीगा ये फ्रेशको स्टोर ते देखा जावे कैनेडा इन्ना महंगा नहीं है खाण पीण दे मामले च तुसीं देख ही सकते हो फिर नहीं कोई महंगा कुछ इन्ना समान नहीं सी अप्रोक्सीमेटली अपना $3 तो $4 के सारा कुछ आ जाता सी खाण पीण तो जेडे नॉन वेज ने उन्हां लिए तो यह हैगा बहुत सस्ता पर जेडे वैजीटेरियन लोग ने उन्हां लिए आई थिंक कैनेडा थोड़ा जहा कॉस्टली पै जाता ग्रॉसरी के चक्कर में। तो बाकी मेरे को कार का लाइसेंस अजे एक मंथ तक बनना सी ते तां मैं यह बाइक लै लिया ताकि ये बाइक से मैं उबर कर सकता। मैं इस टाइम जॉब करंटली उबर ईट्स की कर रहा जिथे कि मैं अप्रोक्सीमेटली पर डे $110 बन जाते हैं जो मैं 6 घंटे काम करा। उबर की पे काफ़ी अच्छी है तो मैं क्या जब कैनेडा में लैंड हुआ टाइम का वेस्ट करना तो मैं उबर से रजिस्टर कर लिया थी। मैं तो रजिस्टर किदा किया मैं थोड़ा अपने कमिंग व्लॉग में जो पसंद आई मेरे चैनल में शेयर करो मेरी वीडियो में लाइक करो तो प्लीज़ सबसक्राइब करना ना भूलो क्योंकि वीडियो शूट करने भी काफ़ी मेहनत लगती है। मैं भी अपना काम छड़ के अपना जॉब छड़ के यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर रहा ताकि मैं थोड़ा दिखा सका कि इतों की लाइफ किदां दी है तो इतों का लिविंग कॉस्ट किन्ना सस्ता है या किन्ना महंगा कह लो। तो बाकी तुसी मेरे बने रहो मेरे चैनल पर ते जिन्होंने मेरा चैनल सबसक्राइब किया मैं उन सारों थैंक यू कहना। मेरे मोर दैन 500 फॉलोअर्स हो गए ने सबसक्राइबरस हो गए ने आई नो तुसी जल्दी ही मोर दैन 5000 भी करवा दोगे। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग माई वीडियो एंड जिन्होंने सबसक्राइब किया मैं उन्होंने सबनों थैंक यू कहना। तो जिन्होंने नहीं किया सबसक्राइब मैं देखता अपने चैनल पर 72% ने नहीं भी किया सबसक्राइब जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं मैं उन्होंने रिकमेंड करता प्लीज़ तुम भी सबसक्राइब कर दो मोटिवेशन मिले कमिंग वीडियो पाने लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए नाइस डे।